वेलकम गाइस, दिस इज़ आशीष। स्वागत है आप सभी का। आपको मैं बताऊंगा कि बैकअप को रीस्टोर कैसे किया जाता है। तो बैकअप रीस्टोर तभी होता है जब आपने इस ऑप्शन, यानी कि अगर आपने इस ऑप्शन के साथ बिजी में अगर इस ऑप्शन से आपने बैकअप लिया हुआ है तो रीस्टोर भी एक ऑप्शन है जिससे आप उस बैकअप को वापस ला सकते हैं। तो वापस लाने के लिए करना क्या है, हमको सिंपली क्या करना है, रीस्टोर ऑप्शन में जाना है एंड देन यू कैन रीस्टोर द कंपनी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन कंपनी। यहाँ पर हमारे पास OMG नाम की एक कंपनी है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डिलीट ऑप्शन में जाना है, सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद ये कंपनी क्या होगी, कंप्लीट कंपनी इसका यस कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, कंपनी डिलीट हो गई। देन यू हैव टू रिस्टोर द कंपनी। सो वी तो हम क्या करेंगे, रिस्टोर में क्लिक करेंगे। रिस्टोर में आपको यहाँ पे पाथ बताना है, नॉर्मल बैकअप रिस्टोरेशन पाथ फॉर रिस्टोरेशन। तो हमने यहाँ पे पाथ बताना है, हमने पिछली बार बैकअप लिया था डी ड्राइव के बिजी विन फोल्डर में लिया था। तो आपको सिंपली क्या करना है, डी ड्राइव का बिजी विन फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो बैकअप है, डेटा रिस्टोरेशन बैकअप फॉर द कंपनी OMG ऑल फाइनेंशियल ईयर टेकन ऑन 18 अगस्त इज फाउंडेड एट द लोकेशन डी बिजी विन डेटा, डू यू वॉन्ट टू रिस्टोर। अगर आप उस डेटा को रिस्टोर करना चाहते हैं सिंपली यस प्रेस करिए। प्रोसीडिंग के लिए आपसे फाइनल पूछा जाएगा, ओके प्रेस करिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ये जो डेटा है रिस्टोर हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, ओपन कंपनी करेंगे। जैसे ही आप ओपन कंपनी करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी कंपनी वापस आ चुकी है, जो हमने कंपनी डिलीट कर दी थी। अब हमने उसको क्या किया, उसको रीस्टोर कर लिया। पिछले वीडियो में मैंने बैकअप लेना बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जरूर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।